अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया बनाने जा रहे हैं। मैं आज आपके लिए अप्पम बनाने जा रही हूँ, जो कि एक मद्रासी और स्पेशल डिश है। चलिए आज हम बनाते हैं अप्पम। ये हमारे अप्पम का मिक्सचर है। इसको मैंने ओवरनाइट सोक्ड चावल और दाल से बनाया है। दाल आप उड़द की लीजिए और चावल की क्वांटिटी के हिसाब से आपको उड़द की दाल भी उससे लेवल में होना चाहिए। जैसे कि आधा किलो चावल में आपको उड़द की दाल चाहिए 1.25 किलो, इसलिए कि वो सॉफ्ट और स्मूथ अच्छे से बन जाए। ठीक है, अप्पम के लिए सबसे पहले हमें करना है, हमें चाहिए टोमेटोस थोड़े से एज क्वांटिटी जितना आपको बनाना है। चिलीज मैंने 2 ली हूँ छोटे, मुझे तेज़ नहीं चाहिए इसलिए। प्याज टमाटर की क्वांटिटी से थोड़ा ज़्यादा, और ये है करी लीव्स और थोड़ा सा कोथमीर। अब इसे हमें हमारे अप्पम के मिक्सचर में डाल लेना है। मैंने अप्पम के मिक्सचर को दाल और चावल को ओवरनाइट सोक्ड कर सुबह में पीस लिया है, और पीसने के बाद में मैंने उसमें थोड़ा सा सोडा डाल लिया है ताकि उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाए। ठीक है, चलिए अब हमें इसे मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारा अब ये मिक्सचर ऐसे दिखने लगेगा। सबसे पहले आपको सांचा चाहिए होगा। सांचा इस तरीके का है मेरा। सांचे को अच्छी तरीके से गरम कर लें और उसमें से थोड़ा थोड़ा तेल डाल लें। अच्छी तरीके से फैला लें। फास्ट थोड़ा सा गैस रखें ताकि अच्छी तरीके से वो गर्म हो जाए। ये अप्पम मेरा थोड़ा सा ओवरलोड हो गया, ठीक है, फिर भी चलता है। उसके मोल्ड में हम डालेंगे तो वो अच्छी तरीके से बन भी जाएगा। अब उसे हम थोड़ा ढक कर पका लेंगे हीट। ओकेजनली हम उसे चेक करते रहेंगे। ये देखिए आसानी से निकल रहा है, इसका मतलब ये हमारा तैयार हो चुका है अप्पम। इसको हम पलट देंगे चेक करके। कर भी हमें पकाना है। देखिए ये मेरा थोड़ा थोड़ा पक चुका है। जो पक चुका है मैं उसे पलट दे रही हूँ। ये देखिए जब ये पूरी तरीके से पक जाएगा तो ये इस तरीके से दिखेगा, और उसे हम दूसरी तरफ से भी पलट कर पका लेंगे ताकि दोनों तरफ से उसे भाप लग जाए। अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो उसे हल्की भाप पे रख कर आप पका सकते हैं थोड़ा देर और। मुझे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए इसलिए मैं इसे उलट रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको पलटना है। पलट कर थोड़ी देर और उसे भाप दे लें। ये देखें मैंने एक और बार उसमें डाल दिया है सांचे में, ये फूक गए हैं। सेकेंड टाइम आप बनाएंगे तो इसका हाल ऐसा होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ली थी तो थोड़ा सा वो पचक गए थे। ये देखिए ये थोड़े से फूक गए हैं, ये दिखाती हूँ मैं निकाल कर। ये पलटने के बाद ये ऐसे दिख रहे हैं, ये तैयार हो चुके हैं। इसे आप ये देखिए हमारा ये अप्पम अब बन चुका है। ये देखिए मैंने आपके लिए तोड़ कर भी इसे बता दिया है कि अंदर से भी अच्छे तरीके से पक चुका है। इसका सबसे अच्छा तरीका पकाने का ये है कि आपको इसे ढककर पकाना है। देख लीजिए आप इस तरीके से पक जाएगा और टेस्टी बहुत होगा, और नमक अपने स्वाद अनुसार डालना है आपको। ये चटनी के साथ हम सर्व कर सकते हैं। आप इसे या चटनी के साथ या सांभर के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है। नॉर्मली ये हमारे घर में बनते रहते हैं। थैंक यू, थैंक्स फ्रेंड्स।
प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. थैंक यू.